हेलो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मैं कहाँ पर हूँ। रेलवे स्टेशन और ये ट्रेन है। अभी मैं इसी से आया हूँ, वाराणसी से। तो अभी मैं अपने यहाँ पर रेलवे स्टेशन निहालगढ़ पे हूँ। आपको ये दिख रहा होगा निहालगढ़। तो बात यह है कि मैं अभी गया था वाराणसी और अब मैं वहीं पर रहूँगा। और आने का कारण आपको वीडियो में थोड़ा आगे पता चल जाएगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे मैंने इससे पहले एक अभी छोटी सी क्लिप देखी होगी आपने इसी वीडियो में, तो मैं आ रहा था स्टेशन पे, था वाराणसी से आ रहा था। तो मैंने उसमें बताया था कि मेरे आने का कारण आपको वीडियो में आगे रहेंगे तो पता चलेगा। वैसे तो थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं ये वीडियो किस पर बनने जा रही है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिस चीज़ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये है वो चीज़, ये देखिए, ये है गूगल एडिसेंस, जिसका मुझे पिछले 1.5 महीने से इंतजार था। फाइनली अब वो मेरे हाथ लग गया है। गूगल एडिसेंस एड्रेस वेरिफिकेशन पिन, ये मेरा यहाँ का एड्रेस है और मैंने इसको फाड़ लिया है ये साइड से। ये देखो, ये साइड साइड ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं ऐसे, तो इसको आप साइड साइड से ऐसे फाड़ेंगे तो इसको जब ओपन करते हैं तो अंदर यहाँ पे इसके अंदर ये पिन इसमें होता है। उसी पिन को आपको डालना होता है अपने क्या कहते हैं कि गूगल एडिसेंस अकाउंट पे। सो ये जो था, इसको मैंने दूसरी बार अप्लाई किया था। पहली बार क्या हुआ था कि जो एड्रेस होता है, जो जैसे कि हमारे यहाँ का जो एड्रेस है वो अभी थोड़ा सा इसमें चेंजेस आया। जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ उसका नाम UPSIDC, तो इसको UPSIDA हो गया है, UPSIDA। तो पहली बार जब मैंने डाला था तो UPSIDC डाला था, तो शायद उसी की वजह से ये नहीं आया था। तो जो भी मेरे कॉलोनी के व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल्स के, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर जैसे आप कोई भी चीज़ पोस्ट से मंगवाते हैं, बाई पोस्ट अगर कोई चीज़ आता है, तो आप ये करिएगा कि UPSIDC ना डाल के UPSIDA डालिएगा। क्योंकि ये जो मेरा पिन है, इस पर जो एड्रेस है, ये देखिए यूपी, ये इस पर जो एड्रेस है ये मेरा UPSIDA, इसको मैंने 5 सितंबर को दोबारा से अप्लाई किया था और ये मेरे को 16 सितंबर को मिल गया। मतलब कि जो मैंने पहली बार अप्लाई किया था वो मैंने 28 जुलाई को अप्लाई किया था और वो आज तक मुझे अभी नहीं आया है। तो मतलब मैंने सिर्फ चेंजेस यही किया था। दोबारा जब अप्लाई किया तो इसमें सिर्फ यही एड्रेस का UPSIDC की जगह मैंने UPSIDA कर दिया था। तो गलती यही रही होगी, इसी वजह से अभी तक वो पहला वाला नहीं आया था। तो इसमें जो रहते हैं, और कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये रहता है गूगल एडिसेंस आपको कब अप्लाई करने के लिए मिलता है, आपका जब चैनल मोनिटाइज हो जाता है। चैनल मोनिटाइजेशन के बाद एक क्राइटेरिया होता है, जब आप आपका जो मोनिटाइजेशन का रेवेन्यू जो होता है वो जब $10 क्रॉस होता है, तब आप इसको एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। तब आपको गूगल से एक नोटिफिकेशन आता है कि यू आर एलिजिबल। तो उसके बाद फिर आप जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो चार महीने का टाइम रहता है आपके पास। 4 महीने में लगभग आपको देता है 3 से 4 बार अटेम्प्ट देता है ये पिन मंगवाने के लिए, जैसे आपका कोई भी चीज़ गलत हो गया हो, कुछ भी हो, तो वो सारी चीज़ें मेरा 2 बार में ही आ गया। वैसे तो लोगों का फर्स्ट टाइम एक ही अटेम्प्ट में आ जाता है, बट मेरा एड्रेस का ही इशू था, इसकी वजह से नहीं आया था। तो ये देखिए, तो अभी जैसे मेरे पास ये आ चुका है। तो और ध्यान से जो लोग भी इसको अप्लाई करेंगे, एड्रेस जो भी आप डालिएगा, एड्रेस ध्यान से डालना, क्योंकि जो भी एड्रेस आप डालेंगे ये उसी एड्रेस पे जाएगा। अगर आपका एड्रेस गलत होगा तो ये वापस रिटर्न हो जाता है। तो मेरे साथ भी शायद वही हुआ है, पहला वाला मेरा आया होगा, एड्रेस नहीं उसको समझ में आया होगा पोस्ट से, तो वो वापस रिटर्न चला गया होगा। तो उससे इसलिए मैंने दोबारा जब अप्लाई किया, दोबारा मुझे 10 दिन में ही आ गया, 11वें दिन, 5 सितंबर 16 सितंबर 11वें 12वें दिन मेरे हाथ में आ गया। तो अब मैंने इसको फाड़ लिया है,
अब मैं इसको जा रहा हूँ, ये मेरा दूसरा फ़ोन है, तो अब मैं इसको जा रहा हूँ अपने वेरीफाई करने के लिए, अपने गूगल एडिसेंस पे जाऊँगा, अपना लॉगिन करने के बाद, जैसा कि स्टेप्स इसमें सारे लिखे रहते हैं पहले से ही कि आपको कैसे क्या करना है। गूगल एडिसेंस आप इसको जब अप्लाई करेंगे तो गूगल एडिसेंस पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको, आप देख सकते हैं बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तो वैसे भी आप इसको कोई ज़्यादा वो हार्ड नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो उसके बाद फिर जब ये आया, इसमें स्टेप्स लिखे हैं आपको क्या क्या करना है। गूगल एडिसेंस पे अकाउंट पे लॉगिन करना है, सेकंड स्टेप, उसके बाद फिर पेमेंट पे जाना है, अकाउंट्स वेरिफिकेशन पे जाके अपना पिन जो है वो एंटर कर देना है। तो अभी जो ये मेरे पास पिन आया है, मैं अब इसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो अभी मैंने इसको एंटर कर दिया है, अब ये दिखा रहा है एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। तो मेरा जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली अब जो मेरा चैनल है वो आप कह सकते हैं कि इसके बाद अब चैनल जो है वो फुली मोनेटाइज हो गया है। तो जब चैनल फुली मोनेटाइज हो गया है तो अब किसी बात की चिंता, फिकर नॉट, चिंता नॉट। तो आगे देख सकते हैं। तो वैसे ये सब हुआ कैसे, आप लोगों के प्यार से, और कैसे होगा, तो बने रहे फिर। और मेरे जितने भी सॉन्ग्स हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सुना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पे मेरे चैनल पे विजिट करिए। जितने भी सॉन्ग्स हैं, भक्ति हैं और भी लोकगीत हैं, जितने भी सॉन्ग्स हैं, मैं बीच बीच में अपने सॉन्ग्स लाता रहता हूँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। और बस शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।